हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन 4 और सेशन का नाम है चार्ट्स एंड ग्राफ्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितने तरह के चार्ट्स होते हैं और ग्राफ्स और चार्ट्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। जो पहला टॉपिक है वो होता है चार्ट्स इन ओपन ऑफिस कैसे, यानी बेसिकली चार्ट्स होते क्या हैं। चार्ट्स को ग्राफ्स भी कहा जाता है। आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डेटा, यानी जो चार्ट होती है वह डेटा को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करता है। पिक्टोरियल मतलब एक पिक्चर के फॉर्म में डेटा को प्रदर्शित करता है, या हम बोल सकते हैं एक इमेज या पिक्चर के फॉर्म में डेटा को शो करता है, इसको हम बोलते हैं चार्ट्स या ग्राफ्स। ओके, अगर हम बात करें चार्ट्स की तो इस कैल्सी सॉफ्टवेयर में पूरे 10 तरह के चार्ट्स होते हैं। पहला जो चार्ट्स का नाम है वो है एरिया चार्ट, दूसरे चार्ट का नाम है कॉलम चार्ट, तीसरा जो चार्ट्स का नाम है वो है बार चार्ट, नेक्स्ट लाइन चार्ट, नेक्स्ट फाई चार्ट, पाई चार्ट, नेक्स्ट डोनट चार्ट एंड नेक्स्ट एक्स वाई चार्ट एंड नेक्स्ट नेट चार्ट एंड स्टॉक चार्ट एंड कॉलम एंड लाइन चार्ट। मीन्स 10 तरह के चार्ट्स पाए जाते हैं ओपन ऑफिस कैल्सी में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन ओपन कैल्सी। जो सबसे पहला जो टाइप्स है वो है एरिया चार्ट्स। यानी एरिया चार्ट्स क्या होता है? एन एरिया चार्ट्स एम्फसाइजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर द टाइम। यानी एरिया चार्ट्स में क्या होता है, जो इसकी डेटा होती है टाइम टू टाइम बदलती रहती है या चेंजेस होती रहती है, जिसका जो डेटा है, ठीक है, या जो वैल्यू है वो एरिया चार्ट के थ्रू हम लोग शो करते हैं। नेक्स्ट है कॉलम चार्ट। अब कॉलम चार्ट आप देख सकते हो कि किस तरह से दिखता है। ये बेसिकली कॉलम के फॉर्म में दिखता है। कॉलम चार्ट क्या होता है? अ कॉलम चार्ट शोज डेटा चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और इलस्ट्रेट्स कंपैरिजन अमंग द आइटम्स। यानी इसमें भी क्या होता है, जो डेटा होता है टाइम टू टाइम चेंजेस होता रहता है और हर एक डेटा में एक कंपैरिजन दिखाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम चार्ट। जो कॉलम चार्ट होती है वो 3D डायमेंशन में भी आप लोग बना सकते हो। नेक्स्ट है बार चार्ट। अब बार चार्ट क्या होता है? अब बार चार्ट इलस्ट्रेट्स कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स। यानी जो बार चार्ट होती है वह डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेटा में क्या करता है, वह कंपैरिजन दिखाता है, ठीक है, या कैटेगरी वगैरह इसमें होती है। इसमें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों तरह से डेटा को शो किया जाता है। बार चार्ट का जो एग्जांपल है आप देखने में यहाँ पर देख सकते हो, सेल्स बाय कंपनी, यहाँ पर सोनी एंड को, मतलब कि कौन कौन सी कंपनी कितना सेल्स की है और कितना नहीं, ये बार चार्ट के थ्रू दिखाया गया है किस सन में कितना सेल्स हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में आप देख सकते हैं जो इस तरह का चार्ट है, आपको लाइन दिखेगी इसमें, ठीक है। अ लाइन चार्ट शोज ट्रेंड्स इन डेटा एट इक्वल इंटरवल। यानी ये जो लाइन चार्ट है वह कुछ दूरी जाने के बाद एक डेटा शो करता है, ठीक है। यहां आप देख सकते हो बिंदी है, यहां भी पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो क्रिकेट का स्कोर होता है वो कभी कभार लाइन चार्ट के थ्रू भी शो किया जाता है कि कहाँ पर कितने विकेट गिरे हैं, कहाँ पर कितना सिक्स या रन लगा है, ठीक है। तो वो सारी जो डेटा होती है वो चार्ट्स के थ्रू ही दिखाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ इंटरवल टाइम पर, यानी जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ पॉइंट रहेंगे। अगर जो परफॉर्मेंस सही रहेगा तो उसकी पॉइंट रहेगी ऊपर की तरफ, अगर आपका परफॉर्मेंस जो है डाउन रहेगा या कम रहेगा तो जो लाइन है वो नीचे की तरफ रहती है, उसको बोलते हैं लाइन चार्ट। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होती है? अ पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शनल साइज ऑफ आइटम्स दैट मेक अप अ डेटा सीरीज टू सम ऑफ द आइटम्स। यानी ये भी एक कंपैरिजन दिखाता है डिफरेंट तरह के डेटा में, यानी इसके साइज के अकॉर्डिंग ये शो करता है। पाई चार्ट जो है आप देख सकते हो सर्कुलर फॉर्म में दिखता है। यहाँ आप देख सकते हो 35% दिया है, 24% है, 12% है और
यहाँ पर 29% है, मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है यानी 29% है यहाँ पर, तो इसकी जो एरिया है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 12% है तो यहाँ पर येलो वाला देख सकते हो काफ़ी कम एरिया में है, मीन्स कि जितना ज़्यादा परसेंटेज रहेगी या जितना ज़्यादा जो डेटा की वैल्यू जो है हाई रहेगी उसकी जो एरिया है वो ज़्यादा रहती है, उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। डोनट चार्ट सेम उसी तरह की है, ये भी सर्कुलर फॉर्म में है लेकिन इसमें डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं या डिफरेंट कलर से इसको शो किया जाता है। तो डोनट चार्ट को क्यों यूज किया जाता है? टू शो द प्रोपोर्शनल नेचर ऑफ योर डेटा बट वांट टू इंक्लूड मोर देन वन डेटा सीरीज अ डोनट चार्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। यानी डिफरेंट तरह के सीरीज ऑफ डेटा को अगर शो करना हो तो जो डोनट चार्ट है उसके थ्रू आसानी से हम लोग शो कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी डोनट चार्ट की, रिप्रेजेंट वैल्यू डेटा एज परसेंटेज ऑफ द होल, यानी जो डोनट चार्ट होती है सारे परसेंटेज को मिलाकर डेटा को शो करता है। कैटेगरीज एज प्रेजेंटेड बाय द इंडिविजुअल स्लाइसेस, और जो कैटेगरी होती है इसकी वो डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस में बटी हुई रहती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ये जो कलर है यहाँ पर डिफरेंट तरह से ये स्लाइसेस में बटी हुई है। अब बात करते हैं एक्स वाई स्कैटर चार्ट की। एक्स वाई स्कैटर चार्ट जो कि आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो, एंड एक्स वाई स्कैटर चार्ट आइदर शो द रिलेशनशिप एमॉन्ग द न्यूमेरिक वैल्यू इन सेवरल डेटा सीरीज ऑफ प्लॉट टू ग्रुप्स ऑफ नंबर एज वन सीरीज ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्या करता है, ये रिलेशनशिप शो करता है डिफरेंट न्यूमेरिक डेटा के बीच में। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल है कि कितनी कौन सी सैलरी कौन सा कंपनी कितने कौन से साल में कितनी ग्रोथ की या कितना ज़्यादा सेल किया। ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पर शो किया जाता है। अब बात करते हैं नेट चार्ट की। नेट चार्ट जो है क्या करता है, रिप्रेजेंट डेटा वैल्यू एज कनेक्टेड पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ नेट, यानी ये इसकी जो डेटा होती है वो एक जाल की तरह शो होती है। डिफरेंट रेडियल फॉर ईच रो ऑफ डेटा, डिफरेंट रहता है हर एक डेटा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये ब्लू है, यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे भी एक डॉट है ऑरेंज, मींस कि इसकी जो डेटा है वो डॉट के फॉर्म में रहती है और एक मकड़ी के जाल के जैसा दिखाई देता है। स्टॉक चार्ट, स्टॉक चार्ट क्या होता है, डिस्प्ले सीरीज एज अ सेट ऑफ लाइंस विथ मार्कर्स फॉर हाई। ठीक है, ये क्या करता है, सीरीज ऑफ लाइंस को शो करता है और ये हाई लो क्लोज एंड ओपन वैल्यू को भी शो करता है। वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट ऑफ द मार्केट एज मेजर्ड, यानी अगर मार्केट में कभी उछाल आता है या कभी गिरावट आती है तो इसके थ्रू लोग स्टॉक चार्ट के थ्रू ही समझते हैं, जैसे हो गया स्टॉक मार्केट। लास्ट जो चार्ट है उसका नाम है कॉलम एंड लाइन चार्ट। अगर हम बात करें कॉलम एंड लाइन चार्ट की तो वो होता है, इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ ए कॉलम चार्ट एंड अ लाइन चार्ट। ये दो चार्ट की कम्बिनेशन होता है या मिलावट होती है, पहला है कॉलम चार्ट एंड दूसरा है लाइन चार्ट। ठीक है, दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं इसको कॉलम एंड लाइन चार्ट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ इसमें लाइन भी है और कॉलम भी है। ठीक है, इसमें देख सकते हो ग्रीन कलर का जो है कॉलम भी है। इस तरह से लाइन एंड कॉलम चार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। कंपोनेंट ऑफ ए चार्ट, अगर हम कंपोनेंट की बात करें, चार्ट की जो पार्ट हैं उसकी बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट तरह के चार्ट के पार्ट होते हैं। इस एरिया को बोलते हैं चार्ट एरिया, पहला। दूसरा देखते हैं चार्ट टाइटल्स, यानी ये जो चार्ट है वो किस लिए बनाया गया है या किस से रिलेटेड है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्लॉट एरिया इसको बोलते हैं, ठीक है, जो बीच में है प्लॉट एरिया बोलते हैं। ये जो लाइन दिख रही है इसको ग्रिड लाइंस बोलते हैं, और यहाँ पर जो ईयर्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं लेजेंड्स। कंपनी नेम्स, ये सारे जो दिए गए हैं नीचे इसको बोलते हैं कंपनी नेम्स। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू है सेल्स, ये वाई एक्सिस है और इसको भी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ भी एक्स एक्सिस टाइटल मीन्स कंपनी के बारे में डेटा शो किया गया है। तो ये सारे चीज़ें हैं कंपोनेंट ऑफ चार्ट्स। द फॉलोइंग लाइंस टॉक अबाउट दिस कंपोनेंट बाय वन बाय वन, मतलब वही है कि एक्स एक्सिस क्या बताता है, वाई एक्सिस क्या बताता है, सारे सेम ही चीज़ हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ चार्ट इन ओपन ऑफिस कैलसी, आप किस तरह से किसी चार्ट को क्रिएट कर सकते हो ओपन ऑफिस में। एम्बेडेड चार्ट इज अ चार्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड अ वर्कशीट अलोंग विथ अदर डेटा। जो एम्बेडेड चार्ट होता है वह किसी वर्कशीट में
क्या होता है, उसके अंदर उसको प्लेस किया जाता है किसी डेटा के साथ, उसको बोलते हैं एम्बेडेड चार्ट। चार्ट से किसको बोलते हैं, इज अ सीट हैविंग ओनली अ चार्ट एंड नो अदर डेटा। चार्ट सीट हम लोग उसको बोलते हैं कि जो सिर्फ चार्ट दिखेगा, बाकी उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं रहती है। तो अगर हम बात करें किस तरह से क्रिएट करना है, तो आइए देखते हैं। अगर हमें किसी चार्ट को क्रिएट करना है तो सबसे पहले कुछ डेटा हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हमारे पास डेटा है, फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, आप देख लीजिए इसको ध्यान से, ये डेटा है, ठीक है। मीन्स इस डेटा में जो पूरा नाम है वो एट नाम है, और जो सेल्स है प्राइस या सेल्स प्रोडक्ट समझ सकते हो, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब हमें अगर हमें चार्ट क्रिएट करना हो तो सबसे पहले इसके एरिया को हमें सेलेक्ट करना होगा कि हाँ हम इस एरिया पूरे एरिया को सेलेक्ट करके इसके थ्रू यानी इस डेटा को चार्ट के थ्रू शो करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट हो गया, अब देखते हैं सेलेक्ट हो गया तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड बार में जाओगे और इस तरह से आपको एक आइकन मिलेगी। अब इस तरह से एक आइकन मिलेगी, आप उस आइकन पर करोगे क्लिक। अब जब उस आइकन पर क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपको एक चार्ट विजार्ड ओपन होगा। इसको जूम करते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। चार्ट विजार्ड आ गया तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमें काम करना है। पहला जो स्टेप होता है वो होता है चार्ट टाइप, यानी चार्ट के कितने तरह के होते हैं, वो सारी चीज़ें आप चूज करोगे। दूसरी बात डेटा रेंज, कि जो डेटा है वो कहाँ से कहाँ तक है, उसकी रेंज आपको चूज करना पड़ेगा। तीसरी जो स्टेप है वो है डेटा सीरीज, आप डेटा को किस सीरीज में शो करवाना चाहते हो। फोर्थ है चार्ट एलिमेंट, यानी कौन कौन से एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हो चार्ट में, मीन्स कि वो कंपनी के रिलेटेड डेटा है या किसी स्टॉक के या किसी चीज़ के बारे में, उसको आपको पूरा डिटेल देना पड़ता है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है चार्ट टाइप्स। हम इस पर क्या करेंगे, जो हमारा चार्ट टाइप है वो कॉलम हमने चूज किया कि कॉलम चार्ट हमें चाहिए। अब जो कॉलम चार्ट चाहिए हमने यहाँ पर इसको चूज कर लिया। अब जैसे ही चूज किया और इसके बाद से नेक्स्ट क्लिक किया, यहाँ पर फिनिश नहीं करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो आप दूसरे स्टेप पर मूव हो जाओगे। जैसे ही आप दूसरे स्टेप पर मूव हो जाते हो तो आप क्या करते हो, जो डेटा आपने चूज किया था या आप किस डेटा पर, अब डेटा रेंज आपको सेलेक्ट करना होगा। मीन्स कि आपकी जो डेटा रेंज है वो यहाँ पर लाना पड़ेगा। मीन्स आपकी जो डेटा है, जैसे कि आपने यहाँ पर चूज किया आपकी डेटा, तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरी डेटा जो है वो सेल में चूज हो गई। मतलब कि यहाँ पे ए है, यानी डॉलर ए हो जाएगा, ठीक है, डॉलर ए, इसके बाद से हो जाएगा एट, डॉलर ए एट हो जाएगा, मतलब ए से आठ तक आया है ना, यहाँ से देख सकते हैं, और इसके बाद डॉलर बी एट तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खुश उसी तरह से डेटा लिखा हुआ रहेगा। देखिए सीट वन डॉलर ए, डॉलर टू बी, डॉलर एट, मतलब कि दूसरे कॉलम से स्टार्ट हुआ है। मीन्स कि दूसरे नंबर पे स्टार्ट हुआ ना, ये दूसरे नंबर से स्टार्ट हुआ है, आठवें नंबर पे आके इंड हो गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको चार्ट बनाना चाहते हैं। तो जो दूसरे स्टेप है, हम लोगों ने यहाँ पर पहले क्लिक कर लिया, ठीक है, हमें कौन सा चार्ट चाहिए। दूसरी बात है कि हम लोगों की जो डेटा रेंज है वो हम लोगों ने यहाँ से चूज कर लिया। अब इसके बाद से जो डेटा है वो किस फॉर्म में आप शो करना चाहते हो, डेटा सीरीज इन कॉलम, हम लोग कॉलम में शो करना चाहते हैं। इसके बाद से यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर देंगे, इसके बाद से करेंगे नेक्स्ट। अब हम जब नेक्स्ट करेंगे, ये दूसरा स्टेप था, अब तीसरे स्टेप पे आ जाएंगे। अब जैसे ही तीसरे स्टेप पे आएंगे, आप देख लीजिएगा यहाँ पे है तीसरा स्टेप, ठीक है, तीसरा स्टेप पे आ गए आप लोग। जो डेटा सीरीज है वो कॉलम बी है, ठीक है, नाम है इसका, और इसके बाद डेटा रेंजेस है वो यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है ऑटोमेटिकली। अगर एक्स वाई की वैल्यू आप ऐड करना चाहते हो, मीन सेम ही रहेगा, जो डेटा रेंज पहले डाला हुआ था वो सेम ये सीट वन पे है, ठीक है, और डॉलर ए टू से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक स्टार्ट हुआ है, डॉलर ए एट तक हुआ ना, वहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी ये पहली कॉलम की है, ये दूसरी कॉलम की है, पहली कॉलम की है, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर से समझाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। सबसे पहले हम टू से यहाँ तक हम लोगों ने सेलेक्ट किया एक, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ सेल्स को यहाँ से यहाँ तक करेंगे, ये होता है दूसरा, तो इसको हम लोग ए मान रहे हैं, इसको हम लोग बी मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बनाया गया है, यहाँ पर जैसे आप लोग भूले ना, मैं बता दे रहा हूँ, देखिए सीट वन में है, जो कि यहाँ पर बी टू से स्टार्ट हुआ है और बी एट तक गया है, यहाँ पर ए टू से स्टार्ट हुआ है और ए एट तक गया है, ठीक है, यानी दोनों को ए का बी का दोनों का हमें लेके साथ चलना है। अब हम लोगों ने डेटा को ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट
क्लिक करेंगे। अब हम जब लोग नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो इस तरह के स्टेप फोर में आ जाएंगे। अब जैसे हम लोग स्टेप फोर में आ जाएंगे, आप देख रहे हो चार्ट एलिमेंट्स पे आ जाएंगे। तो आपके आपको क्या करना है, चार्ट एलिमेंट को ऐड करना है। मीन्स टाइटल क्या है, तो सेल्स परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग उस चार्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। सब टाइटल्स मीन्स कितने साल से कितने साल तक, तो 2009-10 के लिए। एक्स एक्सिस में क्या करना चाहते हैं आप, सेल्समैन रखना चाहते हैं, और वाई एक्सिस में सेल्स, कितना सेल्स हुआ, कितने सेल्समैन थे 2009-10 में हुआ था, और सेल्स परफॉर्मेंस के हम लोग चार्ट तैयार कर रहे हैं कॉलम चार्ट के थ्रू। आप कहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हो, राइट में, ठीक है, सारा चीज़ हो गया। अब इसके बाद से फिर से आप करोगे लास्ट में फिनिश। अब जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे तो आप एक देखोगे मैजिक, जो आपका चार्ट है वो पूरी तरह से, ये जो चार्ट है इसकी जो डेटा है वो इस फॉर्म में दिख रही है इस शीट में, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो आपका ये सेल्स है, ओके, कौन कौन नाम है, खुशग्रह है, ठीक है, राहुल नाम है, सिद्दीकी जोन या नाम दिख रहा है, नाम वाले कौन है, सेल्समैन है, ठीक है, सेल्स परफॉर्मेंस है कौन से सन में, 2009-10 में। मीन्स कि ये जो डेटा है, इस डेटा को हम लोगों ने एक ग्राफ के थ्रू शो यहाँ पर किया है, स्टेप बाय स्टेप आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट, मूविंग एंड रिसाइजिंग इमीडिएट चार्ट, ठीक है, हम लोगों ने इस चार्ट को हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अगर हमें इसे मूव करना हो, मीन्स हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें थोड़ा और इधर चाहिए, तो क्या करेंगे, अगर मूव करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस चार्ट को क्लिक करेंगे और इसके बाद से माउस पॉइंटर पर क्लिक करके उसको जहाँ करना चाहते हैं वहाँ पर प्रेस करके लेके जा सकते हैं। अगर हमें रिसाइज करना हो तो क्या करेंगे, तो चार्ट है, ठीक है, उसके कोने कोने पे एक पॉइंट होता है, अगर रिसाइज करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट को पढ़ के खींचते हैं, खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हो। अगर बात करें डिलीट की, तो जो चार्ट है आप क्या करो उसको सेलेक्ट कर लो और इसके बाद से क्या करो, डेल बटन क्लिक करके आप प्रेस कर दो, तो जो आपकी चार्ट है वो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगी वहां से। नेक्स्ट है सेविंग एंड रिट्रीविंग डेट चार्ट, किस तरह से चार्ट को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, फाइल मेन्यू में जाना है, इसके बाद से सेव पर क्लिक करना है और उसके बाद से आपको आपके फाइल का नाम देना है और आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। एडिटिंग चार्ट, किस तरह से एडिट कर सकते हैं, तो बेसिकली एडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से जा सकते हो, फॉर्मेट में जाओगे, या आपको चार्ट ही पूरा चेंज करना है तो चार्ट टाइप में जाओगे, इसके बाद से दूसरा चार्ट वहां से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो आप चार्ट की जो एरिया है या उसका कलर चेंज करना चाहते हो, तो आप यहां से बॉर्डर के थ्रू चार्ट एरिया के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहां पर जब सेलेक्ट हुआ तो इसकी जो डेटा, ये इसकी जो कलर है वगैरह ग्रीन हो गई है। एक्सपोर्टिंग चार्ट्स, अगर चार्ट को एक्सपोर्ट करना हो तो क्या करोगे, समटाइम्स यू नीड टू एक्सपोर्ट द चार्ट फ्रॉम कैलसी सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट फॉर्मेट सच इन बीएमपी फॉर्मेट इन पीडीएफ फॉर्मेट। एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है कि जो चार्ट है आपके सीट में पहले से बनी बनाई रखी हुई है, आप चाहते हो उसको बीएमपी फाइल एक्सटेंशन में या पीडीएफ में आप कन्वर्ट करना या उसको एक्सपोर्ट करना, तो किस तरह से करोगे, काफ़ी आसान है। सबसे पहले आप जाओगे फाइल मेन्यू में, ठीक है, इसके बाद से फाइल मेन्यू पे जाके आप लोग क्या करोगे, एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया रहता है, ये तो दूसरी चीज़ दी गई है यहाँ पर, सर नीचे दी गई होगी, ठीक है, यहाँ पर है, फाइल में जाओगे, एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पर फाइल बीएमपी में आप कन्वर्ट करके इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो या पीडीएफ में, तो पीडीएफ भी यहाँ पर दिया गया, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो भी चाहे आप एक्सटेंशन, ढेर सारे एक्सटेंशन यहाँ पर है, जो भी अपने अकॉर्डिंग आपकी मन करे वो चूज करके आप सेव कर सकते हो और आपकी जो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। सो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर है, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो पढ़ के अच्छे से, और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं बेसिकली वो सॉल्यूशंस हैं वो यहाँ पर है, आप सॉल्यूशंस भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी आपको आपकी मदद करेगी एग्जाम में। सो यहाँ पे एक बोल सकते हैं क्वेश्चन है जो आप नोट कर सकते हो अपने नोटबुक में। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा,
अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई।